हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गाइस जूलॉजी का एक शॉर्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस आज का क्वेश्चन है आपका कि राइबोसोम में जीवत जनन यानी बायोजेनेसिस को समझाइए, डिस्क्राइब द बायोजेनेसिस ऑफ राइबोसोम। गाइस काफ़ी इजी रहता है एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। आप सब भी जानते होंगे कि भाई राइबोसोम है वो इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए फटाफट से देख लीजिए आंसर। न्यूक्लियोलस की अनुपस्थिति के कारण बैक्टीरिया में राइबोसोम कोशिका द्रव में स्थित राइबोसोमल आरएनए के विशिष्ट सिस्ट्रोन्स में संश्लेषित होता है। यूकैरियोट्स में राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियोलस में संश्लेषित होता है। स्टार्टिंग में यानी प्रारंभ में न्यूक्लियोलर गुणसूत्र के न्यूक्लियोल्स संगठन से 45S आरएनए निर्मित होता है। यही 45S आरएनए 28S तथा 188 राइबोसोमल आरएनए को पूर्ववर्ती होता है। है छोटा सा है एकदम और बहुत इजी है। इसका डायग्राम दे दीजिएगा कि भाई किसके बाद क्या प्राप्त होता है। कोशिका द्रव में संश्लेषित प्रोटीन न्यूक्लियोलस में एकत्रित होकर आरएनए से संबंध होते हैं और राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन कण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन कण बनाते हैं। यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्लियर हो जाता है एंड ये आपका डायग्राम रहा। जैसे जैसे आपने बोला था वैसे वैसे आपको एरो वाइज बना देना है, ठीक है। 45S न्यूक्लियोलर आरएनए, 42S, 35S, 32S, 28S, ठीक है, उसके बाद 20S, 80S, ठीक है। तो ये आपको लिख देना है, बहुत ही ईजी रहता है। एंड गाइज जूलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक मेंशन है, वहाँ पर लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों तरह के क्वेश्चन प्रोवाइड हैं। फटाफट से चेक करो एंड समझ नहीं आ रहा है कुछ भी तो मुझे कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज मेरे चैनल आर स्टडी अड्डा 10 पर जाकर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।